कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली में शनिवार को कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें मुजफ्फरनगर, मेरठ और हरिद्वार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस ट्रेन हादसे ने कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे भुलाना उनके लिए आसान नहीं होगा। इन घायलों में करीब 3 साल की एक बच्ची भी है, जिसे मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची का नाम सोनी है। उसकी मम्मी भी इस हादसे में घायल हो गई है, लेकिन वो किस अस्पताल में भर्ती है इसका कोई पता अभी तक नहीं चल पाया है। अस्पताल में भर्ती सोनी की नजरें अपनी मम्मी पर हैं। अस्पताल में अफरा तफरी के बीच वो रो रो कर सिर्फ मम्मी मम्मी ही बोल रही है। अस्पताल प्रशासन इस बच्ची की मम्मी की तलाश कर रहे हैं। न्यूज़ ब्यूरो।